क्रिकेट की दुनिया यानी कि माई स्पोर्ट्स शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल सीजन 16 का पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खत्म हो चुका है, जहां इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जहाँ चेन्नई सुपर किंग के लिए डेवन कॉनवे और रुद्राज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने आए, जहाँ कॉनवे 6 गेंदों में 1 रन बना के आउट हो गए। गायकवाड़ ने 50 गेंदों में 92 रन की शानदार पारी खेली और मोइन अली 17 गेंदों में 23 रन बना के चलते बने, जहां बैन स्टोक्स भी 6 गेंदों में 7 रन बना के आउट हुए। श्याम दुबे 18 गेंदों में 19 रन बना के आउट हुए और महेंद्र सिंह धोनी ने 7 गेंदों में 14 रन की पारी खेली, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग की टीम 178 रन पे 7 विकेट गंवा गई। जहां गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 ओवर की गेंदबाजी की 29 रन देकर 2 सफलता हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। राशिद खान ने 4 ओवर 26 रन, 2 विकेटें और अलजरी जोसेफ ने 4 ओवर 38 रन और 3 विकेटें हासिल की। जहां लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस के लिए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए, जहां रिद्धिमान साहा 16 गेंदों में 25 रन बना के आउट हुए और शुभमन गिल ने 26 गेंदों में 63 रन की शानदार पारी खेली। जहां साई सुदर्शन ने 17 गेंदों में 22 रन की पारी खेली और विजय शंकर ने 21 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, जिसके चलते इस मुकाबले को 19.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन आसानी के साथ टाइटंस की टीम ने बना लिए। गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर 4 ओवर 29 रन, कोई सफलता चहर को नहीं मिली। रविंद्र जडेजा 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, जहां सेंटनर को 4 ओवर 32 रन, कोई विकेट नहीं मिली। इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट से जीत गई है, यानी कि पहला ही मुकाबला टाइटंस की टीम फिर एक बार से जीत गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।